हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइनिंग इन सीसीटीवी कैमरा। अब आपने देखा होगा कई बार हमारे जो कैमराज होते हैं, सीसीटीवी कैमराज होते हैं, उनमें लाइनिंग आने लग जाती है या फिर फ्लिकरिंग आने लग जाती है या फिर कई बार इमेज ब्लर हो जाती है। अब उसका क्या रीज़न है और किस वजह से ये होता है, आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे रिमूव किया जाए और क्या क्या जरूरी स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, देखिए इस तरह की प्रॉब्लम जो हम लाइनिंग की बात कर रहे हैं या फिर फ्लिकरिंग की बात कर रहे हैं, ये कभी भी आईपी कैमराज में नहीं आती। ये हमेशा एनालॉग कैमरा या फिर एचडी कैमराज में आती है। तो अगर आपके पास एनालॉग कैमरा या फिर एचडी कैमरा है तो आपको इन स्टेप्स का जरूर ध्यान रखना है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर वन की। तो स्टेप नंबर वन में आपने देखना है कि जो आपके यहाँ पर बीएनसी कनेक्टर लगा हुआ है, देखिए हर कैमरे में दो बीएनसी कनेक्टर लगते हैं, एक डीवीआर की तरफ और दूसरा कैमरे की तरफ। तो उसका जो जॉइंट है, जो आपने उसको जॉइंट किया हुआ है केबल और डीवीआर के साथ, वो प्रॉपरली जॉइंट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, या फिर वहां पर कनेक्शन लूज तो नहीं है, तो ये सबसे पहले आपने चेक करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप कनेक्शन करते हैं, टेप वगैरह लगाते हैं, तो उसके अंदर कई बार जर लग जाती है। अगर आउटसाइड में आपका कैमरा है तो बारिश या पानी की वजह से उसमें जर लग जाती है, तो वो आपने देखना है कि उसमें जर लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर लगी हुई है तो उसको दोबारा से आप कनेक्शन कर दीजिए, दोबारा से वायर को कट करके प्रॉपरली उसको ज्वाइंट कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है। बट इन केस उसके बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो रही, तो आपने देखना है कि जो आपका बीएनसी कनेक्टर है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि ज़्यादातर देखिए ये कनेक्टर्स चाइनीज आते हैं, तो आपने ये देखना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक तो इस टाइप का बीएनसी कनेक्टर है, ये मोस्टली आपको हर जगह मिल जाएगा। एक तो ये है, ये आपको अराउंड 20 रुपये का मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस टाइप के बीएनसी कनेक्टर की, देखिए जो ये बीएनसी कनेक्टर है ये अराउंड 40 रुपीज का आपको मिलता है और ये काफी बढ़िया है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो आप कनेक्टर यूज कर रहे हो वो आप प्रॉपर क्वालिटी वाला यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अगर तो आप प्रॉपरली क्वालिटी कनेक्टर यूज करोगे तो उसकी लाइफ ज्यादा होगी और इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को उसमें नहीं मिलेगी। सो उसके बाद स्टेप नंबर टू में अगर आप जाओ तो आपने देखना है कि जो आपके यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है वो किस मोड में काम कर रहा है। जैसे कि अगर सीपी प्लस का कैमरा है तो वो सीवीआई मोड में ही होना चाहिए, अगर वो टीवीआई या फिर एएचडी मोड में है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे ही अगर आपके पास हिकविजन का कैमरा है तो वो टीवीआई मोड में होना चाहिए। तो ये आप किसी भी डीवीआर में चैनल टाइप में जाकर ये इसकी सेटिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। और अगर आपके पास सीपी प्लस का कैमरा है तो सीवीआई में कीजिए, हिकविजन का कैमरा है टीवीआई में रखिए। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों पर ध्यान जरूर देना है। सो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है उसमें आपने देखना है कि आपकी वायर की क्वालिटी कैसी है। जो आपके कैमरे और डीवीआर के बीच में जो वायर लगी हुई है, जहां पर आपने बीएनसी कनेक्टर बनाए हुए हैं, तो उस वायर की भी क्वालिटी आपने देखनी है, कहीं उसमें कोई जॉइंट तो नहीं है। और अगर जॉइंट है तो क्या वो प्रॉपरली लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, अगर नहीं लगा हुआ प्रॉपरली तो उसको कट करके आप दोबारा से उसको जॉइंट कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा कैमरा है जिसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और उसमें आपको रेगुलरली इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अराउंड 90 मीटर तक कैमरा चल जाता है, अगर इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपको पावर सेपरेट देनी पड़ेगी, आपको कैमरे के पास में कोई अडेप्टर वगैरह लगाना पड़ेगा और आप उससे पावर दीजिए, तो जो ये फ्लिकरिंग की और लाइनिंग का इशू है ये रिजोल्व हो जाएगा। और आपने वायर में एक चीज़ और देखनी है कि वहाँ पर कोई कट तो नहीं है या फिर वायर में पानी तो नहीं चला गया, उसकी वजह से भी काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है। वायर में अगर पानी चला जाए तो वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। लेकिन इन शॉर्ट आपने इन सारी चीज़ों को तो देखना ही देखना है, बट वायर की क्वालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी जो वायर है वो प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी की होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। तो जब भी सीसीटीवी अगर आपके पास लगा हुआ है, तो जब भी आप नया लगवाओगे या न्यू कनेक्शन करवाओगे, तो वायर की क्वालिटी आपने जरूर देखनी है। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट ले वो क्वालिटी वाला ले, ताकि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आए। सो इसी में एक और पॉइंट है जो कि है कैट 6 वायर से रिलेटेड। कई बार क्या होता है, हम कैट 6 वायर पर एनालॉग कैमरे लगा देते हैं, क्योंकि कई बार कस्टमर ने वायरिंग पहले से करवा रखी होती है, उन्होंने कैट 6 वायरिंग करवा रखी होती है और वो कैमरे उस पर एनालॉग लगा लेते हैं, या फिर कई बार प्राइस की वजह से वो एनालॉग कैमरे में चले जाते हैं, और उस केस में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लाइनिंग फ्लिकरिंग इस तरह का इशू देखने को मिलेगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने बीएनसी कनेक्टर की जगह वहां पर बलून यूज करने हैं, और बलून भी अच्छी क्वालिटी के यूज कर रहे हैं। देखिए
यहाँ पर मैं बार बार क्वालिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी। तो आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो आप बलून लगाओ, अगर Cat6 वायर आप यूज़ कर रहे हो, जो बलून आप लगा रहे हो तो वो अच्छी क्वालिटी का लगाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि जो Cat6 वायर होती है उसमें हम एक वायर पर ही 2 या 3 कैमरे चला देते हैं, वो कुछ टाइम तो एन बढ़िया चलता है बट बाद में प्रॉब्लम करने स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आप एक वायर पर 2 या 3 कैमरे चला रहे हो तो जो पावर है वो आप सेपरेट दो, यानी कि अडप्टर से उसको पावर दो और बलून के थ्रू आप एक वायर पर 2 या 3 कैमरे चला सकते हो। बट अगर पावर भी आप उसी में से दे रहे हो तो कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है पावर सप्लाई से रिलेटेड। देखिए, पावर सप्लाई में अगर कभी भी प्रॉब्लम होगी तो आपके सभी कैमरे में लाइनिंग या फ्लिकरिंग का इशू आएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि जो पावर सप्लाई है वो नॉर्मली तो अच्छा काम करती है, मान लो आपके 2 या 3 कैमरे हैं, जब आप उस पर ज़्यादा कैमरे लगाते हो, 3, 4, 1 या 2 कैमरे एक्स्ट्रा बढ़ाने लग जाते हो, तब वो फ्लिकरिंग करने लग जाता है एक पर्टिकुलर कैमरा, या फिर लाइनिंग आने लग जाती है उसमें। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो पावर सप्लाई आप यूज़ कर रहे हो, अगर तो 4 कैमरे है तो 5 एम्पेयर की कम से कम पावर सप्लाई आप यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, और अगर आपके पास 8 कैमरे है तो कम से कम 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई यूज़ करें। सेम इसी तरह 16 कैमरे है तो 20 एम्पेयर की, मतलब जितने कैमरे हैं उससे थोड़ा फालतू आपने एम्पेयर रेटिंग रखनी है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपको ना आए। सो इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है इलेक्ट्रिकल वायर से कितने डिस्टेंस पर आपकी सीसीटीवी वायर है। देखिए, अगर तो आप ओपन वायरिंग कर रहे हैं तो हमेशा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल वायर जा रही है उससे थोड़े डिस्टेंस पर आपने सीसीटीवी वायर रखनी है। हमेशा कभी भी आप दोनों को साथ लेकर नहीं जा सकते एक साथ। ऐसे ही अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं तो भी आपने जो पाइप है सीसीटीवी का पाइप है, सीसीटीवी वायर का, और जो इलेक्ट्रिकल वायर का पाइप है, उन दोनों में गैप रखना है। आप एक साथ लेके अगर जाओगे, सेम पाइप में से लेके जाओगे, तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा आपने डिफरेंट पाइप में से लेके जानी है, इलेक्ट्रिकल वायर अलग पाइप में से एंड सीसीटीवी वायर अलग पाइप में से, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जब भी हम साथ में इलेक्ट्रिकल वायर और सीसीटीवी वायर को लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से लाइनिंग आती है या फिर फ्लिकरिंग आती है, जो कि रिजोल्व होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो जब भी आप वायरिंग करवाएं, मेक श्योर करें कि दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो। सो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अर्थिंग से रिलेटेड। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लाइनिंग आती है, जो फ्लिकरिंग आती है, वो अर्थिंग की वजह से आती है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप DVR इंस्टॉल करो या फिर जब भी आप DVR इंस्टॉल करवाओ तो आपने अर्थिंग जरूर उसकी करवानी है। तो अर्थिंग आपने कैसे करनी है? अर्थिंग के लिए सिंपली आपने क्या करना है, DVR में एक पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थिंग का सिंबल होता है, तो वो स्क्रू आपने लूज़ करना है और उस स्क्रू से वायर कनेक्ट करनी है, और उस वायर को आपने जो आपकी पावर सप्लाई है उसके नेगेटिव में अटैच कर देना है। तो इस तरह से आपके DVR को अर्थिंग मिल जाएगी और मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपकी जो ये लाइनिंग एंड फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बट इन केस अगर वो तब भी सॉल्व नहीं होती, वैसे तो 99% तो वो अर्थिंग की वजह से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यही दो रीज़न होते हैं, अर्थिंग होगी या फिर BNC कनेक्टर्स हो गए। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपने एक चीज़ पर ध्यान देना है, आपने देखना है कि जो आपका कैमरा है उसको आपने सेपरेट पावर तो नहीं दी हुई, क्योंकि कई बार हम कैमरे को एडेप्टर से पावर दे देते हैं और इधर DVR को आपने अलग अर्थिंग दी हुई है, वहाँ पर आपने अलग अर्थिंग दी हुई है, तो यहाँ पर अर्थिंग के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से ग्राउंड लूप बन जाता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में आपने क्या करना है, ग्राउंड लूप आइसोलेटर आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, उसकी वजह से जो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसके बाद इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, जब भी आप कैमरा इंस्टॉल करते हो, जैसे कि आपने वॉल पर इंस्टॉल किया या फिर किसी पोल पर इंस्टॉल किया, उनके बीच में आपने गैप जरूर देना है। जब भी आप कैमरे का जो बेस है उस पर अटैच करते हो तो बीच में आपने रबड़ की स्ट्रिप या फिर कोई वुडन का या PVC बॉक्स जैसे हम यूज़ करते हैं वो जरूर देना है, ताकि डायरेक्टली कैमरा वॉल पे या फिर जो अगर आप वॉल पर इंस्टॉल कर रहे हो वो डायरेक्टली टच ना हो। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, अगर ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो मोस्ट ऑफ दी चांसेस है इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो आई होप इन सभी पॉइंट को करने के बाद आपकी जो लाइनिंग या फिर फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से रिजोल्व हो जाएगी,
क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा तंग करती है, बार बार जाना पड़ता है साइट पर और कस्टमर भी परेशान, इंस्टॉलर भी परेशान, मतलब इन शॉर्ट सभी परेशान होते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो इस तरह की परेशानी आपको नहीं आएगी और बार बार साइट पर जाने से भी आप बचोगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।